आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सूरन यानी कि ओल का अचार। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 1 केजी ओल, 100 ग्राम हरी मिर्च, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन और मसाला हमें चाहिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च की पाउडर। और ये इस चम्मच से मैंने एक एक चम्मच ली हूँ मैं, ये सौंफ, मंगरैल, अजवाइन और मेथी दाना। और ये अमचूर पाउडर है 100 ग्राम, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक और अचार में डालने के लिए 500 ml के बराबर तेल चाहिए सरसों का हमें। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि ओल को छीलकर उसका छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसे थोड़ा 2 घंटा के लिए धूप में रख देंगे। इसके बाद इसे हम घस लेंगे। तो देखिए मैंने ओल को छीलकर इसका हम छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए हैं इस तरह से। और थोड़ा सा अगर धूप कम हो तो आप इसे कपड़े से भी हल्का हल्का पोंछ देंगे ताकि इसका पानी जो है निकल जाएगा। और अब इसे हम क्या करेंगे कि इसमें हम हल्दी पाउडर डालकर इस तरह से हर एक पर थोड़ा ऐसे ऐसे हम मिला लेंगे इस तरह से। सब पे हल्दी पाउडर अच्छे से लग जाना चाहिए इस तरह से लगाकर। और इसे कम से कम हम 2 घंटा धूप में डाल देंगे, इससे इसका पानी जो है अच्छे से सूख जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग या तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में अब इससे महीन पीस लें थोड़ा क्रश कर करके, या नहीं तो कद्दूकस करने वाला जो होता है ग्राइंड उस पर ग्रेटर पर इसको ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग धूप में डालते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे ओल को कस लेंगे। और ये मिक्सर ग्राइंडर में लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को हम मोटा मोटा क्रस कर लिए हैं। अब चलते हैं आंच पर तेल चढ़ाते हैं। अरे मैंने इस पर तेल चढ़ा दी हूँ मैं, अब इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं जब ये खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी में हम 1 चम्मच हींग डाल देंगे। और सारे खड़ा मसाला जो ये था मेथी, इस मंगरैली सब, इन सभी को भी हम डाल देंगे। इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच और 1 चम्मच बड़ा लाल मिर्च की पाउडर। और अब इन सभी को तेल में मिला देंगे। और इसे अब ठंडा होने देते हैं। अब इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे, इसे भी मिला लेते हैं। इन सभी चीजों को हल्का गर्म तेल में ही डाल देना है। अब ये मिर्च, अदरक और लहसुन जो पीसे हैं उसे भी मिला देंगे। अब इन सारे जो हम मिला लिए हैं मसाला, उन सभी को घिसे हुए ओल में डाल देंगे और सभी को फिर से एक बार मिला लेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे।
भी मिला देते हैं। और इन सभी को मिलाकर हमें कम से कम इसे 10 दिन धूप में अच्छे से सुखाना है। और बीच बीच में इसे रोज चलाते रहिएगा ताकि अच्छे से ये सूख जाए और तब हमारा ओल का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसकी कलर कितनी अच्छी लग रही है, ये बन जाएगा तो और सुंदर हो जाएगा। तो देखिए हमारा ओल का अचार बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू।